हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक आवर चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम कोलम में जो मटेरियल यूज करेंगे यानी कि मोर्टार, सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड का, वो कितने क्वांटिटी में लगेगा और किस रेशो में उसको लगाएं और कितनी उसकी क्वांटिटी एक्चुअल में आएगी, तो उसके बारे में आज हम फाइंड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए M20 हमने रेशो लिया है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज होगा 1:1.5:3 का रेशो इसमें यूज होता है। कॉलम की हाइट 3 मीटर है और कॉलम का जो एरिया है वो है 300 mm × 300 mm, यानी कि जो उसका साइज है, लंबाई और चौड़ाई 300 mm और 300 mm की है। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमें कॉलम का वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कॉलम। किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर आप निकालते हो लाइक इस टाइप से, तो कैसे निकालोगे? LBH। तो LBH के लिए 300 mm × 300 mm × 3 मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो अब हम जब ये वैल्यू mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.3 मीटर × 0.3 मीटर। अब क्योंकि ये तो तीसरी बार तो मीटर में है तो इसको मीटर में ले लेंगे। तो जो वैल्यू इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगी 3 × 9 × 27, तो 0.27 m³। ये आ गई 0.27 m³ कॉलम का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉलम यानी कॉलम का आयतन। अब हम क्या करेंगे, जो इसके लिए ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे मसाले का, क्योंकि कंक्रीट है तो अगर हम उसको गीली लेंगे तो वो कम हो जाएगी क्योंकि उसमें पानी डलेगा। जब वो सूखी होगी मतलब ड्राई कंडीशन में होगी तो वो ज्यादा होगी, उसका एरिया ज्यादा होगा, आयतन भी ज्यादा होगा उसका। तो वो जो उसका जो ज्यादा आयतन है वो कितना परसेंट लेते हैं? वो 54% लेते हैं। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम बराबर होता है वेट वॉल्यूम × 1.54। वेट वॉल्यूम है इसका 0.27 × वेट वॉल्यूम कितना है 0.27 m³ × 1.54, क्योंकि ये एड के लिए ले रहे हैं, इसलिए ड्राई के लिए। अच्छा, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू देगी कितनी आ गई, इनकी वैल्यू आएगी 4.58 m³। ये वैल्यू आएगी ड्राई वॉल्यूम की। अगर आप देखें तो देख सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूं जो मेरे याद है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम हमने यहां पर निकाल लिया है मटेरियल के लिए। अब हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम के बाद अब हम क्वांटिटी निकालेंगे किसी भी मटेरियल की जो हमारे पास यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमको पता है ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, लेकिन हम सबसे पहले जब सैंड सीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीमेंट निकालने का जो तरीका है वो है ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशो। सीमेंट रेशो कौन सा, जो ये वाला दिया हुआ है, अपॉन रेशो एड, मींस जो ये रेशो है उनको एड कर देंगे। देखिए ड्राई वॉल्यूम कितना है, अभी हमने फाइंड किया है 0.4158 इंटू सीमेंट का रेशो यहां पर कितना दिया है 1/2, रेशो का एड कितना है 3 × 1 = 4 × 1 = 5 × 0.5 = 5.5। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पे देख लिया आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल से कि कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.0756 m³। इसकी वैल्यू ये आएगी 0.0756 m³। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं इसको नीचे ले गया था 0.0756 m³। ये आ गई हमारी सीमेंट, यानी कि जो हमारा सीमेंट है वो इतने मीटर क्यूब लगेगा।
अब क्योंकि हमको पता है 1 मीटर क्यूब सीमेंट में कितने बैग लगते हैं, 30 बैग अप्रोक्सीमेट मानते हैं, वरना लगते कितने हैं, 28.8 बैग। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट के बैग निकालने के लिए 0.0756 × 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैग निकालने के लिए, तो वैल्यू आ जाएगी 2.17 बैग। यानी कि इतने बैग लगेंगे एक कॉलम को खड़ा करने के लिए, जिसकी हाइट 3 मीटर और साइज उसका 3×7 × 3×7 होगा, ठीक है, यानी कि 12 इंच बोल सकते हैं आप उसको। तो ये होगा उसका सीमेंट, 2.17 बैग सीमेंट लगेंगे। अब हम सैंड की बात करते हैं, जिसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, सैंड निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, ड्राई वॉल्यूम इनटू सीमेंट, इसका सैंड का रेशो, जो सैंड का रेशो दिया हुआ होगा, डिवाइड बाय रेशो एड, मतलब ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.4854 इनटू सैंड का रेशो कितना है, 1.5 डिवाइड बाय रेशो एड करके वैल्यू आई 5.5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1134 m³, 0.01134 m³। इतने मीटर क्यूब सैंड इसमें यूज होगा, यानी जिसको रेत भी आप बोलते हो। अगर आपको निकालना है कि कितने केजी होगा, तो केजी के लिए इस वैल्यू को गुणा कर दो 1620 में, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी, उतने केजी रेत लगेगा, यानी कि सैंड लगेगा, फाइन सैंड, इस कॉलम को 3 मीटर का बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट या कोर्स सैंड। एग्रीगेट या कोर सैंड निकालने का भी सेम मेथड है, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई एग्रीगेट का रेशो डिवाइड बाय रेशो एड, रेशो को ऐड कर देंगे, तो ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.4158 × 3 है इसका रेशो एग्रीगेट का, डिवाइड बाय 5.5 यानी कि 5.5। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2268 m³, यानी कि 0.2268 m³ एग्रीगेट यानी कि कोर्स सैंड लगेगा इसमें। और अगर आप इसको केजी में निकालना चाहते हो तो बजरी के लिए इसकी वैल्यू की गुणा 1920 में आप कर सकते हो, और केजी में बजरी भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉलम बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस कॉलम के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत जो की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही बने रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें और फोकस रखें अपना किसी भी जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज पर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।